नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो आपका ईडन गार्डन स्थित है उसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में आपका ईडन गार्डन। ठीक है, जो क्रिकेट का मैदान है वो आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन जैसे आपके जितने भी स्टेडियम है आपको याद होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि एयरफोर्स में एक क्वेश्चन बन जाता है ठीक है कभी कभी। तो दूसरा क्वेश्चन है, तेलुगु परियोजना किस शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, तो इसको भी लर्न कर लो। तेलुगु परियोजना चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी तेलुगु परियोजना, याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए जितने भी उत्पादक देश हैं या राज्य हैं आपको बेसिकली याद होने चाहिए। ठीक है, तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन होता है बेसिकली केरल में। ठीक है, अब बात होती है चौथे क्वेश्चन की कि हर्षवर्धन को किसने हराया। तो हर्षवर्धन को फ्रेंड्स आपका हराया गया था, वो हराया गया था बी, पुलकेशन द्वती के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था। पुलकेशन द्वती के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आता है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो पांचवें का सही आंसर हो यहाँ पे डी, येन। जापान की मुद्रा है फ्रेंड्स आपकी, येन जापान की मुद्रा है। छठा क्वेश्चन, डर्बी किस खेल से संबंधित है। डर्बी किस खेल से संबंधित है, तो छठे का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घुड़दौड़ से आपका डर्बी संबंधित है। किससे, घुड़दौड़ से आपका डर्बी संबंधित है। उसके बाद बात कर लेते हैं रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो सातवें का सही आंसर होगा यहाँ पे हॉकी। रंगा स्वामी कप आपका बेसिकली हॉकी से संबंधित है। ठीक है, रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन भी याद कर लो फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो आठवें का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लिन लिथ गो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, भारत में विज्ञान शहर किस शहर को जाना जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन, सही आंसर होगा इसका यहाँ पे डी, बेलकॉन को, बेंगलोर को भारत में विज्ञान शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बात कर लेते हैं टेंथ क्वेश्चन पे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बेसिकली कौन करता है, ज़्यादातर जो नियुक्तियाँ करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं और यह नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जितने फ्रेंड्स आपके जल सेना, थल सेना और वायुसेना के जो होते हैं ठीक है, वो भी इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन की कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो इलेवेंथ का बेसिकली सही आंसर जो होगा वो होगा कि पीलू मोदी भांकड़ा बांध का डिजाइनर था। ठीक है, ये आपका गलत है। और सही कौन कौन से, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का डिजाइनर था। ठीक है, जो चंडीगढ़ शहर की डिजाइनर था वो फ्रांस का था। ठीक है, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ की, जिसने डिजाइन की थी। एडविन लुटेंस ने राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में उसके तर्ज पे, ठीक है, और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की, और इंग्लैंड का था जो उसने राष्ट्रपति भवन की डिजाइनर था। ठीक है, और सोलू कम भांकड़ा बांध का डिजाइनर था जो कि अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का रहने वाला था सोलू कम, भांकड़ा नागला बांध का डिजाइनर था। ठीक है, लेकिन पीलू मोदी भांकड़ा बांध का डिजाइनर था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कौन था, सोलू कम भांकड़ा बांध का डिजाइनर था, तो पीलू मोदी कहाँ से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्वेल्थ का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ट्वेल्थ का यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था तब मेरे चैनल पे ओनली 10 सब्सक्राइबर हुए थे। ठीक है, और मैं 15 से 20 वीडियो अपलोड कर चुका था फ्रेंड्स। मैं एक साथ टूट सा गया था कि मतलब अब वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, व्यूज भी नहीं आ रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं आपके लिए डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो भी दिक्कत है मैं उसको फेस कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, आपका सपोर्ट, हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो हम आप हर
वीडियो में जो भी आपकी डिमांड आ रही है उस टॉपिक्स में आपको वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका कि निम्न में से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ग्रह का जो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है वो है 12 का ऑप्शन ए, सही हो जाएगा यहाँ पे शुक्र। शुक्र ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है यहाँ पे, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो 13 का यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो होगा बी, मंगल। मंगल ग्रह को, ठीक है, ठीक है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब 14 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारत टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी, क्लाइव लाइट। यहाँ पे दे दिया है लेकिन फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि ज़्यादा पुराना हो गया तो इतना क्रिकेट के बारे में नहीं पूछता एग्जाम में, बट ये पूछ लिया है, इसने दे दिया है, ठीक है। इसलिए 15 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित किए गए थे 1930 में। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ओलंपिक पहली बार कहाँ पे हुए और कब हुए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, प्रीवियस वीडियो में भी कराया था मैंने आपको, तो आपको याद होगा मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर वीडियो में कराया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। 17 का कौन सा है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे, परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, ठीक है। और दूसरे नंबर का चक्र है अशोक चक्र, ठीक है, जो कि दिया जाता है सेना में, ठीक है। 18 क्वेश्चन आता है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टिक मार लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट टिक मारो। और 18 का यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डरबन में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल आपके 2022 में डरबन में आयोजित किए जाएंगे, कहाँ पे, डरबन में ये आपके आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो सी राजगोपालाचारी थी, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगर बात की जाती है गवर्नर जनरल की, भारत नहीं लिखा होता तो बात क्या था, माउंटबेटन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स माउंटबेटन, ठीक है। और अगर बात की जाती है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो जैसे भी क्वेश्चन बने, अगर पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, अगर पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, 20 का सही आंसर होगा बी, 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन, भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जनरल दलवीर सिंह सुहाग भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन आया कि सेतु समुद्रम योजना कहाँ पर है। तो 22 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, भारत श्रीलंका के मध्य पाकिस्तान जल मरुद मध्य पे सेतु समुद्र योजना स्थित है, ठीक है। 23 क्वेश्चन, भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा बी, पन्ना में भारत में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका होगा डी, मध्य प्रदेश से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था राम मित्र गोपन झाज, राम मित्र गोपन झाज, ठीक है। जितने भी कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। गोपन झाज, झा से झारखंड, और छा से छत्तीसगढ़, और गु से गुजरात, पन से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। जितने भी हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। आशा करता हूँ टॉप 25 जी का सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्मार्ट स्टेफन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे किस पे वीडियो बनाऊं, जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड में टॉप 100 बना दूं या कोई भी हो, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सुपर 100 की सीरीज मेरी चल रही है, उसमें मैं आपको वीडियो कराता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।